मैनपुरी के बिछुआ में जो भोले बाबा का आश्रम है उसके बाहर मैं खड़ा हूँ, और मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो भोले बाबा को कई सालों से जानते हैं, यानी स्थानीय पत्रकार और निवासी हैं यहाँ के। हम स्थानीय पत्रकारों से बात करेंगे। अभी भैया बता रहे थे मुझे, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी बता रहे थे कि बाबा जी के सत्संग में मीडिया की कवरेज नहीं होती थी। जी बिल्कुल, ये तो साफ तौर से है कि जब बाबा जी का सत्संग कहीं होता था तो वीडियोग्राफी पूर्ण रूप से बैन रहती है, और जो न्यूज़पेपर वाले हैं उनको फोटो वगैरह उपलब्ध करा दी जाते हैं। अगर फोटोग्राफी किसी को लेनी है तो वहाँ जाकर ले सकता है, 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता था, उसके बाद उसको बाहर कर दिया जाता था पंडाल। तो ये आप लोगों ने कभी पूछा नहीं कि भाई वीडियोग्राफी क्यों नहीं आप करवाते? क्योंकि सत्संग में इतनी भीड़ और इतना उनका वो रहता है, उनके खुद सेवादार इतने लगे रहते हैं कि वहाँ किसी चीज़ का बहस करने का वो नहीं होता, कि हमें तो अगर न्यूज़ कवरेज करनी है तो अपना न्यूज़ करेंगे, उसके उनसे इस चीज़ की बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ। अच्छा, बाबा जी से भी आप लोगों ने मिले होंगे, देखे होंगे, किस तरीके का बिहेवियर है, उनका व्यवहार कैसा है? नहीं, व्यवहार तो कुल मिला के ठीक ही रहता है। सत्संग पर मन से बोलते हैं तो किसी को बोलने के बीच में अनुमति नहीं है, और जब वो कोई किसी की पीड़ा या सुनते हैं तो सभी लोगों के पंडाल में जो उनके सेवादार हैं उनके जो सर्किल है उसके बीच वो खड़ा होकर सेवादार अपनी बात कह सकता है, और अन्यथा बाहर किसी व्यक्ति को या तेज आवाज में बात करने की सत्संग के दौरान अनुमति नहीं। कुछ चमत्कार भी करते हैं क्या, कुछ ऐसा भी आपने चर्चा सुनी है? नहीं, चमत्कार का तो नहीं सुना, लेकिन सत्संग में भीड़ अधिक से अधिक होती है, लाखों की भीड़ हो जाती है। सत्संग इन भाई साहब की जमीन पर बाबा के कई सारे हुए हैं, आप बताइए कि आपके जमीन पर सत्संग हुआ है तो कैसे बाबा ने आपको अप्रोच किया, कैसे? नहीं देखिए, यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी पे हमारी जगह है, क्योंकि आस्था से जुड़ा सवाल था तो हम लोगों ने मना भी नहीं किया उनको जमीन देने के लिए। वो लगा मैनपुरी में अगर जहाँ सत्संग होता है तो वो हमारी जगह पर होता था, लेकिन कोरोना काल से प्रशासन ने उस पर बिल्कुल उसको बंद कर दिया था। मैनपुरी प्रशासन की बड़ा अच्छी तारीफ है कि अभी भी इससे परमिशन मांगी जा रही थी लेकिन मैनपुरी प्रशासन ने परमिशन दी नहीं थी। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से, जैसे कि आपको मालूम, हाथरस में 80,000 की परमिशन मांगी गई, 4.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, तो यहाँ का प्रशासन मुस्तैद था। अब यहाँ की बात रहे तो वो जो ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर बाबा का प्रोग्राम लगभग मेरे अंदाज से करीब 10 साल से चल रहा है लगातार, लेकिन लॉकडाउन के बाद से बिल्कुल यहाँ बैन कर दिया गया मैनपुरी। अच्छा, किस तरीके का प्रोग्राम होता है, क्या क्या होता है? वही सत्संग नॉर्मली, जिस तरीके से और जो लोग करते हैं सत्संग, जैसे कि आपने देखे होंगे और भी। अच्छा, तो उनके सत्संग में व्यवस्थाएं रहती हैं? व्यवस्थाएं उनके खुद के लोग होते हैं, उनका निजी स्टाफ होता है। हाँ। उनके जो सेवादार है, सुरक्षा भी उनकी खुद की होती है। आपने देखे जब उनका काफिला चलता है, उनके काफिले के आगे कम से कम 25 से 30 बाइकें होती हैं। अच्छा। जिसमें ब्लैक कलर के कमांडो, जैसे कि आपने देखा जो रियल कमांडो होते हैं, उसी टाइप का एकदम गेटअप लेके चलते हैं वो लोग। अच्छा। फिर बगल में 4-5 गाड़ियां चल रही होंगी, वो भी बिल्कुल ब्लैक कलर की होंगी, स्कॉर्पियो, थार, सारा एकदम मतलब भौकाल टाइप का। अच्छा। और उसी तरीके का सेम बाबा के पीछे होता है, 20 से 25 कमांडो पीछे होंगे, और लगभग वही 5 से 8 गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियाँ, जिसमें बरना है, सियाज है, थार है, इस टाइप की गाड़ियाँ चलती हैं बाबा के साथ में। ये मैंने मतलब रियलिटी मैंने देखा है। अच्छा, ये बाबा के पास में आप लोग तो 8-10 साल से 12 साल से देख रहे होंगे, कैसे इतना पैसा कहाँ से आया आखिर बाबा के? देखिए, अब ये तो एक अलग चीज़ है, पता नहीं पैसा कैसे आया। आप देखो, पैसा आपको पता चल जाएगा पैसा कहाँ से आया है। ये देखिए ना, ये पूरा लिस्ट लगी हुई है, जिस आश्रम पे आप अभी यहाँ खड़े हुए हैं इसके बाहर एक लिस्ट लगी हुई है, इसको अगर मैं लंबा लंबा जोड़ रहा हूँ करीबन 5 करोड़ रुपए तो ये सामने दिख रहा है आपको। इसमें जो सब जितने लोगों ने चंदा दिया है, इसमें कम से कम 50 लोगों को मैं जानता हूँ, इनके पास खाने के बांधे पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें देखो 1 लाख 1.5 लाख 60 हजार 80 हजार ये चंदा दिए हुए हैं इसमें। अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से आ रहा है ये। अच्छा, एक बात और बताइए कि जो बाबा हैं इनका क्या मतलब, और क्या आप बताना चाहेंगे, क्या अनोखी चीज इसमें आपको लगती है? अनोखी चीज लगभग बात करें तो इसी जनवरी की बात करें तो हम बेवर से आ रहे थे, तो बाबा जी का बेवर से पहले ही थोड़ा बोगाँव के पास एक सत्संग चल रहा था, जिसमें हमने आज तक कई सत्संग देखे और कई धार्मिक कार्यक्रमों को कवरेज किया, इतनी भीड़ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी, क्योंकि लगभग लगभग 1 से 1.5-2 किलोमीटर तक पंडाल ही पंडाल, और उम्मीद होगी लगभग लगभग 10 लाख की भीड़ होगी, इससे कम नहीं, मैनपुरी की बात कर रहे, अपनी आंखों देखी। अच्छा, तो इनकी प्रसिद्धि कैसे, मतलब इनको इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग कैसे हो गया, क्या इनके लोग थे? अच्छा, इनके बारे में ऐसा है, इनका कोई सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है। हाँ। और ना इन्हें दिखास ना छपास। हाँ। से मतलब है। हाँ। जे हमारे सुनने में है, जे एससी वर्ग से आते हैं, और इनका जो बात करें
हैंग फॉलोइंग्स महिलाओं में ज़्यादा क्रेज है, महिलाएं इनकी इनके आश्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और यही नहीं, आसपास के ज़िले जैसे मैनपुरी है, इटावा है, हाथरस है, कई आसपास के और पूरब के ज़िले ले लो, कई ज़िलों से इनके सत्संग के सुनने के लिए लोग आते हैं। और बात करें तो ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी रहती है, ऐसा नहीं है जब हम अच्छा बाबा से आज तक कब की कभी मुलाकात हुई? नहीं, हमारी तो नहीं हुई बात। अच्छा, सत्संग में आप गए कभी? एक बार हम बता रहे हैं आपको, वो देखा मैंने, मेरी आंखें फट गई इतनी भीड़ देखकर। और क्या बाबा के बारे में जानकारी आप लोगों के पास में है? बाबा जी की अगर बात की जाए तो अभी लगभग 10-12 साल का समय हुआ होगा, और उसके बाद से इन्होंने अपना प्रवचन चालू किया। अगर इनकी पूरा अगर इतिहास की बात करें तो ये पहले हेड कांस्टेबल भी इटावा में रह चुके और लगभग 28 वर्ष इन्होंने सर्विस भी की। उसके बाद में जानकारी के अनुसार जिस तरीके से सुनने में आया है कि इन पर एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद से इन्होंने अपना एक संगठन बनाया और ये प्रवचन चालू उन्होंने कर दिए, और देखते देखते इतना फेमस हो गए। बाबा के परिवार में के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों तक? बच्चे उच्चे एटा के रहने वाले हैं, ये सुनने में आया कि एटा के रहने वाले, वहीं उनका परिवार वगैरह है। और ज़्यादातर आप देख रहे हैं ये पूरी लिस्ट लगी हुई है भारी मात्रा में, और चंदा देने वालों की। अब इसके बारे में आपको ये आप देखिए, ये स्थानीय लोग और पत्रकारों ने बाबा के बारे में जानकारी दी। हालांकि मैं इस जानकारी को कोई ऐसा सिद्ध नहीं कर सकता हूं कि मैंने केवल इनसे पूछा है और इन्होंने बाबा के बारे में जो जानकारी थी वो हम तक पहुंचाई है। मैनपुरी से मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।